सो फाइनली मैं पहुंच गया हूं बड़गढ़ मेरी दी के यहाँ, और यहाँ एक बहुत अच्छा मेला बोल सकते हो, जैसे एक धनुज यात्रा होता है जो हम उड़ीसा में खास करके बहुत ज़्यादा फेमस है। चलो लेके चलता हूँ, देखते हैं क्या यहाँ नया तरीके का मेला होता है, क्या यहाँ कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं। बहुत सारे चीज़ें मैं अभी गया हुआ था बट अंदर हम लोग जा नहीं पाए थे, जीजू भी थे साथ में। चलो अभी लेके चलते हैं, देखते हैं, पूरा एक्सप्लोर करेंगे क्या है, क्या नई चीज़ें हैं उड़ीसा में। सो स्टार्ट है। फाइनली हम पहुंच गए हैं बीचों बीच, बट पार्किंग अभी यहाँ अवेलेबल नहीं है। अब मैं देखता हूँ, बाकी सब तो उतर गए हैं, मैं पार्किंग देख के पार्क लगाते हैं भाई। फाइनल गाड़ी लग गई है, पार्क हो गई है, अब चलते हैं। समय आ गया, हम लोग आ गए हैं मेला में। अच्छा, एक तरीके का फूड प्लेस है यहाँ, सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। अपन आज के हैं, ये हमारी फैमिली। मैंने एक नया तरीके का कुछ झूला देख लिया है, सो आप देख सकते हो थोड़ा सा। भाई ये कौन सा झूला है? ऑक्टोपस। चट्टा दियो। कितने का है भाई टिकट? तो हम लोग 4 टिकट ले रहे हैं भाई। और ये भाई हमने 4 टिकट ले ली है। हमने पास 2 टिकट थे, मम्मी बड़ी मम्मी दोनों के लिए अपन ने 2 टिकट भी ले लिए। सब वेट कर रहे हैं बंद होने का, स्टार्ट करेंगे अभी। अब हम एंटर करेंगे भाई। चलो फाइनली ये ऑक्टोपस एक साथ पे किधर हम लोग बैठ गए हैं। अब देखते हैं क्या है ऑक्टोपस, कुछ नया है भाई यहाँ का। हम अभी उड़ीसा में हैं तो मजा आ रहा है, अलग सा वाइब है। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है ये क्या? अबे शेयर कर लिए भाई, देखते हैं कैसा लग रहा है, देख लेते हैं थोड़ा कैसा लग रहा है। थोड़ा फेमस कर दे, आपका नाम क्या है? नहीं सर, कोई नहीं, ठीक है। ये डिस्काउंट कुछ दोगे? नहीं सर, लास्ट हो गया सर। ये लाइक दिस बबल, भैया जो है 100 रुपये बोल रहे हैं इसका। भाई आप लोग बता देना कितने का है कमेंट करके।